वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे GERD के बारे में। GERD जिसको कि हम गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपको एक ट्रीटमेंट बताऊंगी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की मदद से और साथ में कुछ होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि GERD है क्या। GERD एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, मतलब जो बीमारी हमारी पुरानी हो जाती है उसको हम क्रॉनिक प्रॉब्लम कहते हैं। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगी कि कैसे ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई परेशानी है। जब हमारा स्टमक एसिड या बाइल वापस हमारे फूड पाइप में आता है और उसकी वॉल्स को इरिटेट करता है या वहाँ पर एक बेचैनी होने लगती है, उसको हम कहते हैं कि एसिड रिफ्लक्स आ रहा है, हार्ट बर्न हो रही है। और जब ये प्रॉब्लम हमारी हफ्ते में दो बार से ज़्यादा होने लगती है, यही जो एक रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है और हार्ट बर्न, कई बार गले तक ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो जब हमें हफ्ते में दो बार से ज़्यादा ये प्रॉब्लम होने लगे तो हम उसको कहते हैं कि ये GERD की प्रॉब्लम हो गई है। अब हम बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम कि खाना खाने के बाद चेस्ट में, छाती में जलन होने लगती है, जिसकी वजह से कई बार उबकाई आने लगती है, कई बार डकारें आने लगती हैं, अपर एब्डोमेन में एक बेचैनी, कई बार वहाँ पर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, अफर जाता है पेट और मुँह का स्वाद कड़वा हो जाता है और कई बार सूखी खांसी भी हो जाती है। जब हम कारणों की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ निकल कर आती है कि ओवरवेट होने की वजह से, जो लोग मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं उनको भी GERD की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको भी GERD की समस्या देखने को मिलती है। या फिर कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, जैसे डायबिटीज़, अस्थमा, इन प्रॉब्लम्स में भी GERD की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कुछ बचाव प्रिकॉशन की, क्योंकि हमेशा कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे बड़ी चीज़, जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स होता है, खाना उनके मुंह में आता है, तो उन्हें अपना जो उनका सिरहाना है जब वो रात को सोते हैं वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, राइट। इसके साथ साथ जो लोग ओवरवेट हैं उन्हें अपना वेट कम करने की कोशिश करनी चाहिए और खाना खाने के बाद कम से कम 3 घंटे बाद रात को सोएं। खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना, चलना फिरना चाहिए ताकि जो हमारा फूड है वो सेटल डाउन हो जाए और डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाए। अब हम बात करेंगे बहुत सिंपल से कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से हम अपनी GERD या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, जबकि ये बहुत शुरुआती दौर में है। कुछ होम रेमेडीज़। सबसे पहली चीज़ कि खाना खाने के बाद अगर हम गुड़ का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल लें और उसको चूसते रहें तो भी हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। दूसरा, खाना खाने के बाद कच्ची सौंफ, जिसको कि हम फेनल सीड्स भी कहते हैं, वो भी हम खा सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी पीने से भी GERD की प्रॉब्लम में बहुत आराम मिलता है। इनके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं कि 1 कप पानी को हम गर्म करें और उसमें जब वो उबल जाए अच्छे से तो 1 चम्मच सौंफ रात को भिगो दें और सुबह उठकर उस पानी को छान लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। ये जो हमारा पानी तैयार हो गया इसको हम खाना खाने के बाद पी सकते हैं। ये डेफिनेटली जिन लोगों को एसिडिटी या GERD की प्रॉब्लम है उसमें एक बहुत अच्छा रिलीफ दिलाएगा। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हम सुबह उठकर खाली पेट 1 ग्लास गुनगुना पानी पिए तो वो भी हमारी इस प्रॉब्लम में हमें काफ़ी रिलीफ दिलाएगा। इसके अलावा हमारी दूसरी होम रेमेडी है कि हम 1 ग्लास गुनगुना पानी लें, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालें और आधा नींबू का रस लें। अब इसमें थोड़ा सा टेस्ट ठीक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। दिन में किसी भी टाइम हम इस पानी को लें। इसको रेगुलर लेने से हमारी एसिडिटी की और GERD की प्रॉब्लम में हमें बहुत अच्छा एक रिलीफ मिलेगा। अब हम डिस्कस करेंगे एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट हमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से करना है। हमें अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर और राइट हैंड की रिंग फिंगर पर इस ट्रीटमेंट को करना है, ऊपर वाले जॉइंट पर, जो ये हमारा अपर जॉइंट है, राइट।
तो हमें सर्जिकल टेप पर मैग्नेट को इस तरह से लगाना है कि हमारी तीन मैग्नेट एक साथ येलो कलर की हो जाए और दो मैग्नेट हमारी वाइट कलर की, राइट। इस तरह से लगाने के बाद हमें इस टेप को अपने ऊपर वाले जॉइंट पे लगाना है। तो हमें पांच मैग्नेट जब आगे रखनी है तो हम जो सेंटर वाली मैग्नेट है येलो, उसको बिल्कुल सेंटर में लेंगे और जो बाकी की दो येलो मैग्नेट हैं उसे बाहर की तरफ लाएंगे, जो दूसरी सफ़ेद हैं उन्हें अंदर की तरफ। देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ किस तरह से। हम जो सेंटर वाली मैग्नेट है वो बिल्कुल बीच में ले लेंगे और दोनों येलो आउटर साइड, आउटर साइड मतलब थंब की तरफ, और जो दोनों वाइट हैं वो इनर साइड। देखिए टेप थोड़ा बड़ा कट गया है तो ये हमारा घूम के भी इधर तक आ रहा है, ये देखिए इस तरह से। क्योंकि ये दो कलर की होती हैं तो जो हमारी येलो मैग्नेट थी स्किन पे टच हुई हैं वो ऊपर से वाइट दिख रही हैं और जो वाइट थी वो ऊपर से येलो दिख रही हैं। इस तरह से हम इसको लगा देंगे अपर जॉइंट पर। फिर एक दूसरे टेप में हम मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट स्किन पे टच कराएंगे। तो ये हमने आगे की तरफ लगाया है ट्रीटमेंट, पीछे की तरफ जो जॉइंट है उसका बिल्कुल सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद हम वहाँ पर ये वाइट मैग्नेट इस तरह से लगा देंगे बिल्कुल सेंटर में, राइट। अब सेम यही ट्रीटमेंट हमें रिंग फिंगर पर भी लगाना है। तो मैं आपके सामने मैग्नेट आपको लगाकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से अगेन हमने वो तीन येलो मैग्नेट स्किन पर लगानी है और दो वाइट लगानी है। तो हमें इसकी मिरर इमेज लगानी है रिंग फिंगर पर इस तरह से, मतलब कि जो हमारी तीनों येलो मैग्नेट थी वो थंब की तरफ आएंगी, क्योंकि यहाँ भी हमने तीनों येलो मैग्नेट थंब की तरफ लगाई थी, और जो वाइट मैग्नेट हैं वो दूसरी तरफ जाएंगी, राइट। तो उसी तरह से हम इसका बिल्कुल सेंटर लेंगे और जॉइंट के सेंटर में इसको लगाएंगे, राइट। अब तीनों मैग्नेट वाइट हमारी थंब की तरफ चली गई और जो दो वाइट मैग्नेट थी वो दूसरी तरफ चली गई। फिर पीछे हमें एक वाइट मैग्नेट लगानी है तो हम दूसरे टेप पर मैग्नेट का वाइट पार्ट इस तरह से लगाएंगे कि वो हमारी स्किन पर टच करे, और पीछे की तरफ बिल्कुल सेंटर लेंगे उस जॉइंट का, वहाँ पर ये वाइट वाला पार्ट हम अपनी स्किन को टच करा देंगे। देखिए इस तरह से। जिन लोगों को क्रॉनिक गर्ड है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एसिडिटी, हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स की, वो इसको यूज़ करें। लॉन्ग रन यूज़ करना है, करीबन 3 से 4 महीने यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ये मैंने अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर यूज़ किया है और मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, राइट। आप इसको यूज़ कीजिए। जिन लोगों के पास मैग्नेट नहीं है वो यहाँ पर मेथी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी पट्टी बनाइए और इन दोनों जॉइंट्स पर चारों तरफ लगा दीजिए। लेकिन जो मैग्नेट के रिजल्ट्स हैं वो मेथी पट्टी से बहुत अच्छे हैं। तो आपके पास जो भी चीज़ की अवेलेबिलिटी है आप उसे यूज़ कीजिए। अगर आपके पास ये मैग्नेट्स हैं, ब्योल मैग्नेट्स, ये एक तरफ से, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक तरफ से वाइट होती हैं। जब हम एनर्जी को घटा रहे होते हैं तो वाइट कलर स्किन पर लगाते हैं। एक तरफ से येलो होती हैं, जब हम एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं तो येलो कलर स्किन को टच करता है। अगर आपके पास ये मैग्नेट्स हैं तो आप इन्हें यूज़ कीजिए। अगर नहीं हैं और आप इन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाया है, उसमें उन सभी चीज़ों को अवेलेबल करा दिया है जिनकी की ज़रूरत होती है हमें ट्रीटमेंट के दौरान। आप इस किट को हमारी वेबसाइट और हमारे ऐप पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। इनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो हर एक तक ये नॉलेज पहुँचे तो बहुत अच्छा है। आज की हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप उन्हें वहाँ जाकर भी देख सकते हैं।
आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।